कोरोना की जीवन रक्षक तीसरी डोज सरकार ने निशुल्क कर दी है, जिसके बाद से लोग इस एहतियातन डोज को लगवाने में रुचि दिखाने लगे हैं। जिला सोलन के लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने लगे हैं व इस जीवन रक्षक टीके को लगवा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला सोलन में 3 सप्ताह में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। बीते 3 सप्ताह में ही कोरोना के 90 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एहतियातन डोज लगवाने आए लोगों ने बताया कि पहले उन्हें दूर दराज बद्दी निजी अस्पताल में डोज लगवाने की सुविधा मिल रही थी, जिसके चलते वह नहीं लगवा रहे थे, लेकिन अब नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर भी कोरोना से बचाव की तीसरी डोज लग रही है। आज मैं यहाँ पे बूस्टर डोज लगवाने आई हूँ और यहाँ पे थर्ड फाइनल डोज है हमारी। पहले जो ये डोजेस थी पेड थी और अब सरकार की वजह से ये फ्री लग रही है हमें, और ना ही यहाँ पे ये RH हॉस्पिटल में लग रही थी, पहले बद्दी में थी। पर अच्छा है कि सरकार ने हमारे लिए यहाँ पे अभी अलाउ कर दिया RH हॉस्पिटल में, और ये वैक्सीनेशन यहाँ पे फ्री में लग रही है। मेरा सबसे अनुरोध है कि जिनकी अभी बूस्टर डोज नहीं लगी है वो आके यहाँ पे लगवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। और मैं यहीं सोलन का रहने वाला हूँ और आज बूस्टर डोज लगवाने आया था, और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सिक्योर फील हो रहा है। ऑलरेडी 2 डोजेज लग चुकी थी, तो उसके बाद हमको काफ़ी इम्यूनिटी में रिलीफ महसूस होता था कि अच्छा फील होता था, कोई छोटी मोटी बीमारी भी नहीं लग रही थी। और आज बूस्टर डोज लगवा ली है तो और ज़्यादा अब सिक्योर फील कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई भी है। पहले 9 महीने का वेटिंग पीरियड था, अभी गवर्नमेंट ने जैसे इसको रिड्यूस किया 6 महीने का कर दिया है, तो अब हम 6 महीने के जैसे ही ओपन हुआ तो हम लोग लगवाने आ गए। तो कोविड वैक्सीनेशन में पिछले दिनों 2 चेंजेस हुई हैं। पहली तो ये कि सेकेंड डोज के बाद 9 महीने के अंतराल पे बूस्टर डोज लगा करती थी, अब ये जो अंतर है ये कम करके गवर्नमेंट ने 6 मंथ कर दिया है, तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और उनको आगे आकर के अपनी जिनका ड्यू है बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। दूसरा जो इसमें चेंज आया है वो ये है कि पिछले कल से जो 18+ पॉपुलेशन की बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज जिसको हम कहेंगे प्रिकॉशन डोज जो ड्यू थी वो फ्री कर दी गई है सभी कैटेगरीज के लिए। तो मेरा ये भी मेरी सलाह रहेगी कि जिनका ड्यू है वो अपनी प्रिकॉशन डोज टाइम पे ज़रूर लगवाएं, क्योंकि मास्किंग और ये जो प्रिकॉशन डोज से इम्यूनिटी बनेगी ये कोविड से बचाव में हेल्प करेगी, अगर कोविड होता भी है तो उसको कम स्तर पे रखने में हेल्प करेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।